Let's do question number 55 of exercise 4E, that is quadratic equation. Question number 55 is, two taps running together can fill a tank in 3 whole 1 upon 13 hours. Do tap ikattha milke jo tank hai wo fill kar paate 3 whole 1 upon 13 hours mein. If one tap takes 3 hours more than the other tap to fill the tank, agar one tap jo hai wo 3 ghante zyada leta hai dusre tap se, then how much time will each tap take to fill the tank? To kitna time lenge har ek tap to fill the tank? Kaise nikalenge? Chaliye karte hain. Let kar lete hain sabse pehle. Let other tap take x hours, kyunki wo keh raha hai दूसरे टैपों से 3 घंटे जल्दी भर देता है, राइट? तो मैंने अदर टैप को x आज मान लिया, तो वन टैप क्या हो गया, वन टैप कैन फिल इट इन x प्लस 3 आज हो गया, क्योंकि 3 घंटे और मोर लेता है अदर टैप से. वो कह रहा है 3 घंटे ज्यादा लेता है अदर टैप से, तो अदर टैप अगर x आज लेते हैं तो वन टैप जो है वो कितना लेगा, x प्लस 3 आज लेगा. तो अदर्स टैप 1 आर वर्क, क्योंकि आर में दे रखा है इसलिए 1 आर का वर्क निकाल लेंगे कि एक घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन x. और इसी तरीके से 1 टैप जो है वो एक घंटे में कितना भरेगा, 1 आर, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा, राइट? अब वो कह रहा है टुगेदर जो भर पाते हैं, लाइक अदर एंड अदर प्लस 1 टैप जो भर पाते हैं इन 3 होल 1 अपॉन 13 आवर्स में भर पाते हैं टुगेदर, दैट इज. तो टोटल आया हमारा 3 होल 1 अपॉन 13 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 40 अपॉन 13 लिख सकते हैं. लेकिन अगर एक घंटे का निकालें तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 40 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 अपॉन 40 लिख सकते हैं. तो अब अदर टैप का क्या था, 1 अपॉन x प्लस, और वन टैप का कितना था, x प्लस 3, 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 13 अपॉन 40, राइट? अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया x इंटू x प्लस 3, तो x प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, तो एज इट इज लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 13 अपॉन 40, तो ये आ गया 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 13 अपॉन 40. तो ये देखिए ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 की मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 3 में और 13 की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर प्लस 3x में, तो ये आ गया 4 2 8 80x प्लस 4 3 12 120 इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 39x. अब सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ, तो 0 इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120, तो ये कितना आ गया, दैट इज 13x स्क्वायर, 80 माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, 10 में से 9 गया 1 एंड 7 में से 3 गया 4, 41x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. अब 13 इंटू 120, दैट इज 120 इंटू 13, 3 0 ज 0, 3 2 ज 6, 3 1 ज 3 एंड 0 2 एंड 1, तो ये आ गया 0 6 5 and 1, राइट? तो 1 5 6 0 आ गया. इसके दो फैक्टर्स, 1 5 6 0 एक्स स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स, लेकिन माइनस का है कि प्लस माइनस करके 41x आए, तो
तो देखिए 2 से किया 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 0, अगेन 2 से किया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 0, 3 से किया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0, 13 से किया 1 एंड 0, 2 एंड 5, तो देखते हैं 41 आता है कि नहीं आता है। 13 2 जा 26 एंड 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60, तो 41 तो नहीं आएगा। 16 अब देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 65 24, तो ये कितना आया 1 एंड 41, तो ये आ गया हमारा 65x एंड 24x, लेकिन दोनों बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू जीरो। तो 13 कॉमन आया, 13x कॉमन आया, तो x माइनस 5 बच गया, प्लस 24 कॉमन आया, तो ये कितना बच गया, x माइनस 5 बच गया इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस 5 कॉमन आया तो क्या बच गया, दैट इज 13x प्लस 24 बच गया इक्वल्स टू जीरो। और x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 5 को जीरो के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई 5, और 13x प्लस 24 को जीरो के इक्वल रखा, तो 13x आ गया हमारा माइनस 24, और x आ गया माइनस 24 अपॉन 13। और नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती टैंक भरने के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो हमने x किसे माना था, अदर टैप टेक एक्स आज, तो दोनों टैप का टाइम निकालना था, तो अदर टैप का कितना आ रहा है, अदर टैप आ रहा है हमारा 5 आवर्स और 1 टैप जो कि हमारा था x प्लस 3, वो कितना ले रहा है, दैट मीन्स 5 प्लस 3 8 आवर्स ले रहा है टैंक भरने के लिए आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स। दो पाइप एक साथ फिल करते हैं टैंक 11 होल 1/9 मिनट्स में फिल करते हैं। इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर वन पाइप 5 मिनट ज़्यादा लेता है दूसरे पाइप से अलग अलग फिल करने के लिए, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में दोनों टैंक अलग अलग फिल कर सकते हैं। तो हमने कहा लेट अदर पाइप टेक्स एक्स मिनट टू फिल टैंक। इसी तरीके से वन पाइप कैसे ले, कितना लेगा, वन पाइप देखिए कितना ले रहा है, 5 मिनट्स मोर ले रहा है, तो हमने लिख दिया ये आ गया x प्लस 5 हो गया, इतना ज़्यादा ले रहा है, 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है। अब एक मिनट का निकालना है, तो अदर पाइप अदर्स पाइप फिल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फिल करेगा, दैट इज 1/x हो गया। इसी तरीके से वन पाइप 1 मिनट में कितना फिल करेगा, फिल इन 1 मिनट, दैट इज 1/x प्लस 5। अब वो टुगेदर फिल कर रहे थे 11 होल 1/9 मिनट्स में, राइट, टू पाइप्स कैन फिल इन 11 होल 1/9 मिनट्स में, राइट, तो 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, टू पाइप्स
fill in 1 minute. 1 minute में कितना fill करेंगे? तो that means ये आ जाएगा इसका opposite. तो वो कितना हो गया? देखिए 11 whole 1 upon 9 को क्या लिख सकते हैं? That is 100 upon 9 लिख सकते हैं. तो 1 minute में कितना हो जाएगा? 9 upon 100 opposite हो जाएगा, क्योंकि 1 minute का निकाल रहे हैं. तो 2 pipes कितना था 1 minute में? 1 upon x plus 1 upon x plus 5 था दोनों pipe का 1 minute में, equals to 9 upon 100. अब LCM लेंगे तो ये आ गया x into x plus 5. 1 minute का निकालना है, सारी चीजें 1 minute में ही होनी चाहिए. x plus, ये नहीं होना चाहिए कि ये हम पूरा टोटल ले रहे हैं और ये 1-1 मिनट का ले रहे हैं, राइट? तो ये प्लस x equals to 9 upon 100. ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया 2x plus 5 upon x square plus 5x equals to 9 upon 100. ये आ गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना आ गया? 100 into 2x plus 5 equals to 9 into x square plus 5x. तो 200x plus 500 equals to 9x square plus 45x. सब कुछ उधर लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे. तो ये आ गया 0 equals to 9x square plus 45x minus 200x minus 500. तो ये आ गया 9x square minus का 100, 200 में से 45 minus हुए तो minus का बचेगा. तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया is 5 and 1x minus 500 equals to 0. अब देखिए 500 की मल्टीप्लिकेशन 9 से, क्योंकि पूरा कट नहीं हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ गया 4500 x स्क्वायर, लेकिन माइनस का. इसके दो फैक्टर्स बनाने की प्लस माइनस करके 155 आए. तो देखिए कैसे बनेंगे 4500. 5 9s are 45, 2 zeros. अगेन 5 5 1s are 5, 45 8s are 40 एंड 0. अगेन 5 5 1s 5 3s are 15, 16 17 18, 35 6s are 30, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 2 2s are. तो इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बन सकते हैं. देखिए 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 3s are 36, 5 5s are 25, 25 5s is 125. तो 125 एंड 36 ये तो नहीं बन पाएगा. और देखते हैं 5 5s are 25, 25 9s is 225 एंड 5 4s is 20 ये भी नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 30, and 5 3s are 15, 16 17 18 and 25. 180 में से 25 माइनस हुआ तो 10 में से 5, 7 में से 2 गया 5 एंड 1. यस आ गए फैक्टर्स. तो ये आ गया 180x एंड 25x माइनस होंगे. तो ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का. तो ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आ गया? 9x कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 20, और प्लस 25 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 हो गया. अब x माइनस 20 कॉमन लिया तो कितना बच गया? 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 20, और 9x प्लस 25 को,
9x प्लस 25 को 0 के इक्वल रखा तो 9x की वैल्यू आ गई माइनस 25 और x की वैल्यू आ गई माइनस 25 अपॉन 9। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो x क्या माना था हमने, x माना था हमने अदर पाइप जो कि फिल करता है x मिनट्स में। तो अदर पाइप टेक, अदर पाइप टेक 20 मिनट्स टू फिल द टैंक एंड वन पाइप, फर्स्ट पाइप कितना ले रहा है, टेक x प्लस 5 था तो 20 प्लस 5 कर दिया, दैट इज 25 मिनट्स टू फिल द टैंक। आंसर।